आज हमारा ये नंबर सिस्टम पर सेकंड लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर्स से जुड़े हुए बहुत बेसिक से पॉइंट्स जाने थे। वो सभी चीज़ें ऑलरेडी आपको उसमें से पता थी, कुछ चीज़ें उसमें नई ऐड हुई थी। और आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आगे की कहानी जो होगी उसमें बहुत छोटे छोटे बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो इस लेक्चर को भी आप कल की तरह ही प्यार दीजिएगा। पिछला लेक्चर बहुत ही सारे स्टूडेंट्स ने सराहा है उसको, बहुत ही अच्छा लगा उनको, समझ में आया सारी चीज़ें। तो आज का लेक्चर भी हम लोग ऐसे ही मेहनत से, जोश से आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ, बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। देखिएगा जरा, मैंने आपको बताया था कि मैं प्राइम नंबर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको प्राइम और को प्राइम नंबर के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइम है, पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। हम जानते हैं किसके प्राइम नंबर के बारे में, PRIME प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं इसे भाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, ठीक है, भाज्य संख्याएँ। दूसरा जो हम जानेंगे वो जानेंगे कंपोजिट नंबर, COMPOSITE कंपोजिट नंबर। तो जो हमारा कंपोजिट नंबर है इन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं, उल्टा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य, ठीक, और इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, ठीक। तो आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ज़रा देखना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो भी मैं आपको साथ साथ बता के चलूँगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने संख्याएँ लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, इस तरह से मैंने बहुत सारी संख्याएं लिख दी। अब बहुत सारे बच्चों को तो पहले पता होता है कि प्राइम नंबर क्या है। देखिए, मैं अगर इसमें से प्राइम छांटूं, मैं प्राइम छांटना चाहता हूं, इसमें से अभाज्य संख्या छांटना चाहता हूं, तो मैं अब इनमें से छांट करके यहां पर लिख रहा हूं, छटनी कर दी मैंने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और आगे भी मैं इसी तरीके से लिखता जाऊंगा। अब मैंने जो ये लिखी यहाँ पर, इसका कुछ तो आधार होगा, कुछ सोच कर ही मैंने यहाँ पे लिखी होंगी। ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्केबाजी से ऐसे ही लिख डाली है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो अब देखिए, अब मैं वो प्रैक्टिकल वे आपको समझाता हूँ कि जिस तरीके से मैंने इनको यहाँ पर छाँट करके लिखा है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम फैक्टर के थ्रू जानेंगे, कैसे, फैक्टर के थ्रू। यहाँ पर मैं जो पॉइंट आउट करूँगा, जो आपको समझाऊँगा, वो मैं समझाऊँगा फैक्टर्स के थ्रू, ठीक, फैक्टर के थ्रू कैसे, ठीक। देखो, यहाँ पर अगर मैं 2 को काटूँ तो मैं 2 को 2 से काट सकता हूँ और 2 को 1 से काट सकता हूँ, ठीक। 3 को 3 से काट सकता हूँ और 1 से काट सकता हूँ। 5 को मैं 5 से काट सकता हूँ और 1 को 1 से, ऐसे ही 7, 1, 11, 1 और सिमिलरली ऐसे ही आगे। ध्यान रखिएगा कि 1 जो है, 1, ये जो 1 है ये यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि दुनिया की सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब क्या है कि 1 में इतनी खतरनाक शक्ति है कि ये सभी संख्याओं को, दुनिया की, विश्व की सभी संख्याओं को 1 पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये 1 इसीलिए हर एक का फैक्टर होगा, चाहे वो यहाँ पे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, विश्व की सारी संख्याओं में 1 तो फैक्टर होगा। लेकिन ये स्पेशल नंबर हैं जिनमें 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 केवल 3 से कटेगा, 5 केवल 5 से कटेगा, 7 केवल 7 से कटेगा, 11 केवल 11 से कटेगा, 13 13 से कटेगा, 17 17 से कटेगा। तो अगर हम देखें 13 को, तो 13 13 से कटेगा और 13 के अलावा 1 से,
सत्रह सत्रह से कटेगा और वन से, वन से तो सारे ही कट जानी है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पर इनके कुल कितने फैक्टर हैं जो काट रहे हैं, कुल कितने फैक्टर हैं यहाँ पे जो काट रहे हैं, दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? दो। दो कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो इट्सेल्फ, एक तो स्वयं संख्या, स्वयं संख्या यानी कि इट्सेल्फ, एक तो खुद नंबर ही है और एक है क्या, एक, समझना इस बात को। दूसरा फैक्टर क्या है? वन। दूसरा फैक्टर क्या है? एक। तो केवल और केवल यहाँ पे दो ही फैक्टर है, केवल और केवल कैसे फैक्टर हैं, दो ही फैक्टर हैं। इस वजह से हम लोग इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 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 अब आप कहोगे सर जब दो फैक्टर हैं, ठीक है, एक तो संख्या खुद और एक तो सबका होता ही है, फिर सर आपने वन को क्यों नहीं रखा प्राइम नंबर में? ठीक, मैंने कहा भाई नहीं रखा। आप कहोगे सर रखना था। अब मैंने पूछा बेटा क्यों रखना था या भाई क्यों रखना था? आपने कहा सर ऐसे रखना था। आपने कहा दो फैक्टर हैं प्राइम नंबर के, दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक ही है तो एक से तो एक कटेगा ही, और एक इट्सेल्फ, एक इट्सेल्फ, एक तो सब काटेगा ही, एक तो है ही, एक तो हो गया, और एक इट्सेल्फ, इट्सेल्फ भी ये क्या है, एक ही है। तो मैंने कहा मैं ये स्पष्टीकरण दूंगा कि ये इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोलते क्योंकि ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों फैक्टर क्या होते हैं, सेम। जबकि यहाँ पर देखो आप दो और एक, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, सात और एक, ग्यारह और एक, तेरह और एक, सत्रह और एक। तो ये बात आपको अपने भेजे में चिपका के रखनी है कि जो दोनों फैक्टर होंगे वो डिफरेंट फैक्टर होंगे, इट्सेल्फ वाला और वन वाला, दोनों फैक्टर क्या होंगे, डिफरेंट फैक्टर होंगे, अलग अलग फैक्टर होंगे। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई मुझे एक बार बताते चलना, ठीक है। कमेंट वमेंट कर दिया करो तुम लोग, ठीक, कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो फैक्टर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक, वन होगा और इट्सेल्फ संख्या होगी। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके दो फैक्टर होंगे और वो दोनों अलग अलग फैक्टर होंगे वो कहलाएंगे आपकी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। वन क्यों नहीं है ये मैंने आपको बता दिया। जैसे 19 से आगे अगर मैं लेना चाहूँ तो 19 से आगे लूँगा मैं 23, क्यों, क्योंकि 23 23 से कटेगा, 23 23 से कटेगा और 23 के अलावा 1 से कटेगा। अब दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 और 23 के अलावा जो 23 को पूरा पूरा काट दे। इस वजह से 23 भी हम क्या मान लेंगे, प्राइम नंबर मान लेंगे। तो ये आपको मैंने एक पहचान बता दी है, इसके आधार पर आप प्राइम नंबर लिखते जाओ लिखते जाओ। इससे भी अगला अगर आप देखो तो इससे अगला 29 होगा, बिकॉज 29 29 से कटेगा और 1 से कटेगा। समझ गए आप लोग, पक्का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलता हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझते चलना है फैक्ट को, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कंपोजिट नंबर के बारे में, बहुत ही ध्यान से समझना है कंपोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको बता के चलूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह संख्याएं आई। आप इनमें क्या देख रहे हो, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आगे आने वाली जो भी संख्या है प्राइम होने के साथ साथ सारी की सारी संख्याएं कैसी है, विषम है। केवल और केवल एक ही स्पेशल नंबर ऐसा है जो प्राइम तो है लेकिन इवन है, सम संख्या है, प्राइम तो है सम संख्या है। तो दो क्या है, दो प्राइम नंबर होने के साथ साथ, प्राइम होने के साथ साथ ये क्या है, इवन भी है, सम संख्या भी है, क्या है, सम संख्या। ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल और केवल प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याओं का जो पूरा ग्रुप है उसमें एक ही संख्या सम है और वो है दो। तो सबसे छोटा, इसे अगर हम कहें तो ये स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें जानने के लिए मिली कि दो सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है और ये सम भी है,
ये बात हमने जानने के लिए यहाँ से मिली। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है भाई? ठीक है, अब देखो एक बेसिक पॉइंट, एक नया पॉइंट आपको ये पता लगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे जो और पॉइंट हो सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है? यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो अब आप देखो 3, 5 और 7, देखो 3, 5, 7, 7 के बाद अगर मैं 11 लूँ तो एक बात को ध्यान से समझो जरा मेरी, 3 के बाद 2 प्लस हुआ 5 आया, 5 पे 2 प्लस हुआ 7 आया, लेकिन 7 पे 2 प्लस हो के 9 आता, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। तो 3, 5, 7 केवल जितनी भी अब आगे की जितनी भी 2 से आगे की जितनी भी प्राइम नंबर है उन सब में 3, 5, 7, ये 3, 5, 7 का संबंध, ये 3, 5, 7 का रिलेशन ही ऐसा रिलेशन है जो क्रमागत है। जो क्या है? क्रमागत। क्रमागत को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कंसेक्यूटिव। क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव, ठीक। मतलब गैप इनमें क्या है? बराबर है। और तीनों की तीनों कैसी संख्याएं हैं? विषम। विषम तो खैर आएंगे ही आएंगे सारी की सारी अब आगे की, लेकिन ये क्रमागत है। कैसी हैं? क्रमागत। ये पॉइंट ध्यान देना, क्रमागत क्यों? 3 प्लस 2 प्लस 2, 7, ठीक है, समझ गए? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करके चलना, ठीक है भाई? तो आगे आ गई, ध्यान से देख के चलो। तीनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तीनों क्रमागत विषम संख्याएं। आगे कोई भी ऐसी विषम संख्याएं नहीं आएंगी जो क्रमागत होंगी, ठीक है? अगर आप देखो 11 प्लस 2, 13 तो होता है, लेकिन 13 प्लस 2, 15 नहीं होता, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? तो 3 का पेयर अब आगे कहीं भी नहीं बनेगा, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है, अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हम देखें 1 से लेकर 50 तक टोटल प्राइम नंबर, ध्यान से समझना, टोटल प्राइम नंबर 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15, ठीक है। फिर 50 से लेकर 100 तक, चाहो तो आप लिख के गिन गिन के देखना, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर है। 50 से लेकर 100 तक कितनी है? 10। अब अगर मैं टोटल बात करूं 1 से 100 तक अगर मैं टोटल बात करूं 1 से 100 तक कितनी जाएंगी? टोटल 25 हो जाएंगी। कितनी जाएंगी? 25। तो 1 से लेकर 100 तक ही याद करना है भाई, ऐसे नहीं बता रहा फालतू की बकवासबाजी। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने नंबर होते हैं प्राइम? 25। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने बहुत सारे बेसिक पॉइंट बता दिए आपको प्राइम नंबर से लेके। मैं चाहता तो 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 बस प्राइम नंबर ख़त्म। नहीं, जितना हो सकता हम पढ़ेंगे, ठीक है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये सारी चीज़। और SD यादव की जो बुक मैं आपको करा रहा हूँ, मैं तो बहुत एक्स्ट्रा डेटा करा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि YouTube पे जो जो आपके लिए ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से, और जो आपको सिखाना चाहता है, उसको बहुत ही कम लोग देखते हैं, उसकी वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं। ये हकीकत है YouTube पे, ये हकीकत है, ठीक है, यही हकीकत है, ठीक। और जो आपको मिर्ची मसाला लगा के दिखाता है ना, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, वो ही ज़्यादा चलता है। बट कोई बात नहीं, माल असली यही है, ठीक है, हम नकली माल नहीं पढ़ा रहे आपको, असली माल पढ़ा रहे, ठीक है। तो आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर के। अब हेडिंग डालिए आप लोग, भाज्य संख्याएं। भाज्य क्या? भाज्य संख्या, ठीक है, इसमें इतना ही था जानने के लिए। आगे देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बार बार रिवीजन करिएगा आप लोग, बहुत आसान भी है, ठीक है, बहुत आसान भी है। और यहाँ पर लाइट होने के कारण कुछ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आ रहे हैं, और हमें तो भाई अभी डर लग गया था, पता नहीं कौन सी प्रजाति का ये जीव आ गया यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, काठ वाठ ना ले, इस वजह से डरना पड़ता है भाई, आजकल मामला वैसे ख़राब चल रहा है, ठीक है, अभी हमें डिस्टर्ब करेगा। खैर कोई बात नहीं, चलो इग्नोर करते हैं इसको। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं।
क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ध्यान समझना, बड़ा मज़ेदार है ये भी, आराम से समझ में आएगा आपके। देखो जरा ध्यान से क्या है इसमें, जो डेफिनेशन है इसमें क्या ध्यान रखना है। एट लीस्ट थ्री फैक्टर, कम से कम तीन फैक्टर होंगे। जी हाँ, एक ऐसी संख्या जिसके मिनिमम तीन फैक्टर होंगे। तीन तो होंगे ही होंगे, तीन से ज़्यादा चाहे चार पाँच भी हो चलेगा। ठीक है, ध्यान समझो। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर फिर से वही खेल खेलता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये। अब हमें इसका सिलेक्शन करना है, हमें कंपोजिट नंबर का, भाज्य संख्याओं का सिलेक्शन करना है। तो व्हाट विल वी डू, गलत बोल दिया, व्हाट वी विल डू। हाँ चलो, इंग्लिश भाई इंग्लिश से मत जाना, गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैथ पे आओ बस। देखो तीन फैक्टर, क्या एक के तीन फैक्टर होंगे? नहीं, एक का तो एक ही फैक्टर होगा जो एक होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे इसको, हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, दो के कितने फैक्टर होंगे? दो का एक फैक्टर होगा दो और एक होगा एक, इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, तीन, तीन को छोड़ देंगे क्योंकि खुद तीन होगा और एक होगा। चार को उठाओ, चार को ऑपरेशन करते हैं, देखना जरा चार को, बड़े ध्यान से देखो, बड़े ही प्यार से देखो, क्योंकि इसका हो रहा है ऑपरेशन। ठीक है, चार क्या एक से कटेगा? यस। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या, दुनिया की हर एक संख्या एक से क्या होती है? कटती है। अब देखो यहाँ पर चार दो से कटेगा क्या? यस भैया, दो से तो कटेगा ही कटेगा। देखो अब चार जो है, चार चार से कटेगा। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब एक बात देखो, कम से कम यहाँ पे कितने फैक्टर मैंने बात करी थी? तीन फैक्टर, एक फैक्टर एक है, दो है और तीन है, तो तीन फैक्टर हो गए। ठीक, तीन फैक्टर हो गए। डेफिनेशन तो यही थी कि कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, तो हम इसे भाज्य संख्या बोल देंगे, तो चार भाज्य हो सकती है। यस ठीक है, पाँच को देखो, पाँच को, पाँच का फैक्टर एक तो पाँच ही होगा और एक होगा, नहीं होगी ये। छः को देखो, छः का ऑपरेशन करते हैं, एक से कटेगी यस, दो से कटेगी यस, तीन से कटेगी वेरी गुड, छः से कटेगी शानदार। कितने फैक्टर हो गए? चार फैक्टर, चार फैक्टर कितने हो गए? चार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था एटलीस्ट थ्री, कम से कम तीन तो होंगे ही होंगे, हर हालत में तीन तो होंगे ही होंगे, चार हो, पाँच हो, छः हो, दस हो, नो मैटर। ठीक है, अब देखो सेवन, सेवन का केवल सेवन और एक, ये नहीं होगा। अब देखो एट, दो से कटेगा, एक से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा। ठीक है, दो एक चार आठ, चार फैक्टर हो गए, नो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चार फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारी कंपोजिट होगी। इसके बाद आता है नौ, नौ के हालात क्या है? एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नौ से कटेगा। ठीक है, एक तीन नौ, ये भी हो जाएगी आपकी कंपोजिट नंबर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थ्री फैक्टर है, डेफिनेशन जो है लागू होती है। आई थिंक अब पिक्चर क्लियर है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सभी संख्याएं, दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सारी की सारी संख्याएं जो नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है। देख लो, दो प्राइम थी नहीं आई, तीन प्राइम थी नहीं आई, पांच प्राइम थी नहीं आई, सात प्राइम थी नहीं आई, तो हमने सारी की सारी प्राइम नंबर छोड़ देनी है। हमारे पास प्राइम को छोड़ के जो संख्याएं बचेंगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। ध्यान देना, नोट, इम्पोर्टेंट नोट, वन ना ही तो वन प्राइम था, ना ही तो वन क्या था? प्राइम, और ना ही वन क्या है? कंपोजिट, क्योंकि दोनों ही डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, तो एक को कहीं भी नहीं गिना जाएगा। ठीक है, वैसे कहते हैं सबका मालिक एक, लेकिन मालिक तो हो गए फेल। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आपको समझना है ये सारा का सारा। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल की प्राप्ति करता हूँ। ठीक है, तेज़ी से आप करिए जरा। तो लिख लीजिएगा, एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य। ठीक है भाई, जल्दी से लिखिएगा। ठीक है, तेज़ी से।
चलिए अब मैं आपको थोड़े से यहीं से कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता हूँ जो हमें दिखाई नहीं देते अक्सर, लेकिन बड़े ही इम्पोर्टेंट किस्म के होते हैं। तो ध्यान से समझना मेरी बातों को, सुनना बस, ठीक है। नोट्स को कंप्लीट करते चलना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो, जैसे हमने पढ़ा था सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, तो दो पढ़ी थी, ठीक। यहाँ पे आप देखो कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? आप कहेंगे सर चार से स्टार्टिंग हो रही है। तो चार से स्टार्टिंग होने का मतलब सबसे छोटी क्या हो गई? चार। फिर तो चार से बड़ी ही बड़ी आनी है, आगे बहुत सारे नंबर्स ऐसे आएंगे। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य क्या होगी? चार। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार, ठीक है। ठीक, अब देखो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम, इवन इवन इवन, लेकिन लेकिन लेकिन, नौ क्या है? नौ विषम संख्या है। तो ध्यान देना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बड़े ध्यान से, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कैसा? जो ओड हो, जो ओड हो। ऐसी सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो विषम हो वो क्या होगी? नौ। क्योंकि आगे भले ही आगे और भी ऐसी संख्याएं आएंगी जो विषम होने के विषम होंगी और भाज्य होंगी, लेकिन उन सारी के सारे विषम में सबसे पहली होगी नौ। तो उन सभी विषम संख्याओं में सबसे छोटी क्या होगी? नौ होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपके? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है। आपकी बातें सुन जाता हूँ मैं, ठीक है, सब पहुँचती है मेरे तक। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको जल्दी से लिख के चलना, ठीक है। फटाफट तेजी से चलिए आप आगे, ठीक है। अब मैं आपको नए टॉपिक पे लेके चलता हूँ, फिर बहुत ही फ्रेश टॉपिक है आपका, एकदम नया टॉपिक है, ठीक है भाई। कुछ बच्चों को ये कल कन्फ्यूजन हो गया होगा शायद, होना तो चाहिए था कि 22/7। अगर पूछे केवल 22/7, केवल 22/7, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट का है, तो ये तो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई की वैल्यू आप 22/7, अगर पाई की वैल्यू बोल रहे हैं इसे, अगर पाई की वैल्यू देखो, अगर 22/7 खाली एक नंबर है, 22/7, ठीक है, 22/7 लिख दिया पी अपॉन क्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोल के चलोगे ना कि पाई बराबर 22/7, तो फिर नहीं भाई, क्योंकि 22/7 नहीं है पाई, पाई इज़ नॉट 22/7, पाई इज़ नॉट 22/7। तो उस केस में 22/7 को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते, तो हमने मजबूरी में लिखा था। तो वहाँ पर ये जो पाई है, इस वैल्यू के आधार पर नहीं लेंगे, ये लगभग मान है, ध्यान देना। अगर पाई से जोड़ रहे हो आप इस मान को, तो पाई इरेशनल होगा, ठीक है। लेकिन अगर खाली 22/7, तो वो पी अपॉन क्यू सही है, रेशनल हो जाएगा, परी में हो जाएगा, ठीक है। चले फिर हम थोड़ा सा आगे, ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग हेडिंग लगाइए, ठीक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, पसंद आ भी सकता है, नहीं भी पसंद आएगा, लेकिन जो एक बार ध्यान से देखेगा वो मज़े में रहेगा ज़िंदगी भर, उसको आजीवन सदस्यता मिल जाएगी मैथ को क्लियर करने की, ठीक है। तो देखिए आप हेडिंग लगाइए, सबसे पहले यूनिट डिजिट, हेडिंग लगाइए यूनिट डिजिट। जैसे मैंने आपको डिजिटल सम सिखाया था, डिजिटल सम मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आप कहेंगे जी सिखाया था। वैसे ही आपका ये है, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है आपकी, ठीक, और बहुत मदद करता है, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, बहुत सारे क्राइटेरिया को, बहुत सारे एरिया को कवर करके नॉलेज बनती है, और नॉलेज के आधार पर, फिर उन सारे पॉइंट्स के आधार पर हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ कोई रामबाण नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको सीखनी पड़ती है अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, उसमें आपका डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनसे मिलकर कैलकुलेशन तेज बनती है। यूनिट डिजिट हिंदी में, मातृभाषा में इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इकाई अंक, इकाई का अंक, ठीक। यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक। क्या है इकाई का अंक? देखो
सिंपल और सरल भाषा में कोई भी संख्या आप लिखते हैं, कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, हम इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसे बोलते हैं हजार, इसे बोलते हैं 10,000। ठीक है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, 10,000 डिजिट। ठीक है, इस तरह से तो नॉर्मली बात करें, ठीक है, 5 इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, नॉर्मली हम जानेंगे कि यूनिट डिजिट कितना है अपना, 5। लेकिन क्या इतना ही जानने आए थे हम लोग, क्या हमें इतना ही जानना था? नेवर, नहीं। अगर इतना ही जानना होता तो ये टॉपिक ही ना होता, सीधे एक लाइन में बता देते कि भाई यूनिट डिजिट ये होता है और ख़त्म, उस सवाल पे चलते। नहीं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा यूनिट डिजिट की ओर। ठीक, कुछ छोटी छोटी पहचान है जो हमको समझ के चलनी है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, अब स्टार्ट हो गया काम, बड़े ध्यान से फोकस करके चलना है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ब्लैक और रेड मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये रहा ब्लैक और रेड, मैंने लिखा, एक कोड लिख रहा हूँ मैं, 0156, ये कोड है 0156, 0156, इसकी पावर n कर दी, इसकी पावर n कर दी, एक n क्या है, घात है, ये n क्या है, घात। ठीक, n कितना भी हो, ये कोड ऐसा कोड है, बहुत ही ज़बरदस्त कोड है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कोड है, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, देखो इसका मान कुछ भी हो, ये घात का मान कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस घात का मान कुछ भी हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस घात का मान, इस वाले का, इस वाली घात का मान कुछ भी हो, आपको क्या ध्यान देना है कि 0 0 ही आएगा, 1 1 ही आएगा, 5 5 ही आएगा, 6 6 आएगा। अब आपको क्या, सर मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी कुछ बताया ही नहीं मैंने, तो मज़ा कहाँ से आएगा? देखो समझना, इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं। देखिएगा ज़रा, जैसे मान लो आपको एक संख्या लिखी दी जाए, 10, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100, नो प्रॉब्लम, आसान है, बहुत बहुत आसान। आपने क्या किया, 100 का स्क्वायर किया, या घात 3 कर दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना आएगा, 6 0 आएंगे एक के पीछे। ठीक है, ये आ गया। चलो आप कहोगे जी 10 10 का गीत गा रहे हो, 100 का गीत गा रहे हो, लेकिन कुछ और ले लो। ठीक है, हमने ले लिया 20, ठीक है भाई ले लिया, तो कितना आया, 400 आया। 400 के अलावा अगर मैं 20 की घात 3 करूं तो जानते हैं 8000 आएगा, कितना आएगा, 8000। अगर मैं इसी की घात 4 कर देता हूं तो कितना आएगा, 16000, कितना आएगा, 16000 आएगा। ठीक है, देखिएगा अब ज़रा, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से गौर फरमाइएगा ज़रा, 16000 नहीं भाई, 1,60,000 आएगा ये। ठीक है, 1,60,000, देखो 2 की घात 4 16 और 4 0। ठीक है, एक बात ध्यान दी, अगर यहाँ पे 0 थी तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0, यहाँ पर इकाई का अंक 0 था तो भी इकाई का अंक 0 आया, इकाई का अंक 0 था, इकाई का अंक 0 आया, इकाई का अंक 0 था, इकाई का अंक क्या आया, 0, इकाई का अंक 0 था, इकाई का अंक 0 आया, 0 था, 0 आया। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है आपके पास कि अगर ये किसी संख्या में है, इकाई का अंक, अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक 0 है तो आप उसकी कितनी भी पावर कर लो, आप उसकी कितनी भी पावर कर लो, 10 20 50 100 102 200 300 400 500, जो भी पावर कर लो आप, मान लो 250 की कितनी भी पावर कर लो, n का मान कुछ भी हो, 1 लाख 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, n का मान कुछ भी हो, ठीक, तो इस के घात खोलने पर ऑलवेज हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सुनते रहो, अभी जब सवाल आएंगे तब देखना कैसे घूमोगे।
लेकिन मैं घूमने दूँ नहीं दूंगा आपको, ठीक, जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरो का फंडा आपका क्लियर हो गया। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ एक पर, ठीक है, जीरो के अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ अब एक पर। आप एक की कहानी समझना, सबका मालिक एक, चल भाई इधर देख। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 11, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा 11 की घात 3, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 121, ठीक है, की घात 2। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, 11 की 11 में गुणा करेंगे 121 आएगा, 11 की घात 3 1331 आएगा, ठीक। 121 की 121 में करेंगे, मेरे तो याद है नहीं, लेकिन 121 की 121 में करेंगे गुणा। तो देखो यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर इकाई का अंक एक आया, ठीक। अगर यहाँ पर एक है तो इकाई का अंक यहाँ से क्या आया, एक आया। यहाँ पर अगर एक है तो 121 की घात 3 लिख लेते हैं, ठीक है, तो 121 गुणा 121 गुणा 121। तो अब हमें इकाई का अंक देखना है, इसमें क्या देखना है, इकाई का अंक। तो फिर हम ये सारी संख्या छोड़ देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस इकाई का अंक बचा एक, एक एकम एक, एक एकम एक, चल भाई इधर देख। तो ये क्या आ गया, एक आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया, एक आपका। जैसे हमने 11 की घात 3 किया, तो 11 की घात 3 का मतलब क्या, अपने आप में 11 गुणा 11 गुणा 11। हमें इकाई का अंक देखना, तो हमें इस वाले एक से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, हमारा बचा इकाई का, एक एकम एक, एक एकम एक। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया अपना, एक आ गया। समझ में आ रहा होगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा 151, 151 की घात हमने लिखा 3, तो हम गुणा में 151, 151 ऐसा लग रहा है कि कन्या को दे रहे हैं दान, कन्या दान। हमें देखना है इकाई का अंक, इकाई के अंक के अलावा सारे अंक छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, ये हमने छोड़ दिया। क्या बचा, एक एकम एक, एक एकम एक, तो यूनिट डिजिट एक आ गया। यूनिट डिजिट कितना आया, एक आया, समझ गए क्या। चलो आगे चलो, अब आप ये भी समझ गए कि एक वाली संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक एक हो, उसकी कितनी ही घात कर लो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक एक ही आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं पाँच पे, देखना ज़रा। जैसे मैंने लिखा 15 की घात 2, हमने लिखा 25 की घात 2, हमने लिखा 75 की घात 2, ठीक है, ठीक। तो देखो ज़रा ध्यान से क्या आएगा, ज़रा इसका 225 आएगा, 225, 25 की घात 2 कितना आएगा, 625, 5 की घात 2 कितना आएगा, 25। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान समझना, 25 की घात 2 का मतलब क्या यही है क्या, 25 गुणा 25 यही है क्या। हमें इकाई का अंक देखना है कि 25 की घात 2 में इकाई का अंक क्या आएगा, ये तो एक छोटी संख्या है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक। इस दो को छोड़ दो, इस दो को छोड़ दो, इकाई इकाई के अंक बचे 5 5 25, मनी मन 5 5 5 5 25, 25 का इकाई का अंक 5, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। समझ पा रहे हो क्या आप मेरी बात, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट कितना, 5, 15 का स्क्वायर 225, हमें इकाई का अंक देखना कितना आएगा, इकाई का अंक 5। कोई और भी संख्या ले सकते हो आप, भगवान भला करेगा आपका हमेशा, ठीक, भगवान भला करेगा। कैसे करेगा, जब आप सही करोगे। देखो आप मान लो एक बड़ी संख्या ले लो 225 3 4 5, भाई साहब यार मैंने लगा दिया ना यहाँ पे पावर 40, और आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है आपको, तो हाथ पांव फूल जाएंगे, ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है, घबराहट के कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। देखो अगर पता है तो सवाल कोई हार्ट अटैक आ जाएगा उल्टा। देखो हमें तो इकाई का अंग देखना, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ये सारा मामला छोड़ दो। 5 की घात कितनी भी हो, हमेशा ऐसी संख्या में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, नो प्रॉब्लम, बस, ठीक है। जूस जूस याद रखो बस,
ओरिजिनल मान याद रखो, ठीक है, समझ गए होंगे। तो किसी संख्या का एकाएक अंक है उसकी पावर कितनी कर लो, हमेशा एकाएक अंक घात वात खोलने पर भी जीरो ही आएगा। एक है एकाएक अंक, हमेशा एकाएक अंक एक आएगा। पाँच है एकाएक अंक, कितनी भी घात कर लो हमेशा पाँच ही आएगा। अब देखना जरा, छः का स्क्वायर, छः का तीन, छः का स्क्वायर 36, छः की पावर तीन 216, और छः की पावर चार कितना 1200, 1296, 1296। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना, छः की घात चार के मायने क्या हैं, छः गुणा छः गुणा छः गुणा छः, ये मायने हैं, छः छंग 36। देखो छः की छः मल्टीप्लाई हुई, छः छंग 36, 36 आया, लेकिन 36 का लेना है छः, क्योंकि इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। छः छंग कितना आया 36, 36 का लेना है छः, इस छः की फिर इस छः में, छः छंग 36, 36 का छः, फिर से छः आया, छः छंग 36, 36 का छः, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, छः आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इकाई अंक छः, इकाई अंक छः, इकाई अंक छः, तो ये बात ध्यान रखनी है। 156, 0, 156 ये कोड ध्यान रखना है, 0, 156 और ऊपर लिख लेना कुछ भी, 0, 156 कुछ भी, और मामला ख़त्म, ठीक। ये तीन चार संख्या, ये चार संख्या ऐसी हैं कि कहीं भी किसी भी संख्या का अगर ये इकाई का अंक है तो उसकी पावर कितनी भी कर लेना, हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक यही संख्या जाएंगी वापस नोट करके, ठीक है। चलिएगा, आप जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, छापिए, कुछ भी कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा, तेज़ी से, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक। अब देखिए जो आगे की आपकी कहानी है, वो कहानी है थोड़े से और नंबर्स के बारे में जानना। जैसा हमने अभी तक जाना है, इससे आगे अब हम चलते हैं चार और छः पर, ठीक है। एक कोड आपको याद रखना है, 0156, मैं पहला कोड यहाँ पर लिख देता हूँ, 0156 जाना भी हमने, ये 0156 का कुछ भी, कुछ भी, ठीक। दूसरा है यहाँ पे 4 और 9 49 की पावर n करेंगे, अब की बार 49 की पावर क्या करेंगे हम लोग, n करेंगे। तो अब देखो चार के बारे में जानते हैं। अच्छा आपको ये तो पता होगा टोटल डिजिट कितने होते हैं हमारे, एक से लेकर या जीरो से, जीरो से लेकर, ध्यान देना टोटल डिजिट, टोटल जो डिजिट है जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही डिजिट है, टोटल 10 डिजिट है हमारे पास, ठीक है। इन्हीं से मिलकर सारी दुनिया की संख्याएं बन जाती हैं। तो अब हम पढ़ना है चार और छः के बारे में, तो चार और छः के बारे में क्या क्या खास बातें देखनी है, तो आइए देखते हैं ध्यान से, ठीक। देखो जैसे चार है, चार की घात में एक करता हूँ तो कितना आएगा, चार आएगा इकाई अंक। चार की घात में दो करता हूँ 16, 16 का मतलब इकाई अंक 6। चार की घात में तीन करता हूँ 64, इकाई अंक 4। चार की घात में चार करता हूँ कितना आएगा 256, इकाई अंक 6। अब जरा देखो करना क्या है, ये इकाई अंक कैसे आ रहा है, हर बार चार की गुणा करते चले जाओ, 4 चौक 16 का 6, ठीक, 4 छिक 24 का 4, 4 चौक 16 का 6। जैसे यहाँ पर भी तो हम चार का गुणा करते जा रहे हैं, चार की घात एक में चार की घात एक, ये भी 4 की घात 1, तो 4 की घात 2 हो गई, फिर 4 की घात 1 का गुणा हुआ, 4 की घात 3 हो गई, 4 की घात 1 का फिर से गुणा हुआ, तो 4 की घात 3, 4 की घात 4 हो गई। तो ऐसे ही हमारा इकाई अंक देखना है, 4 की घात 1 है तो 4 आएगा, 2 है तो 6 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 4 है तो 6 आएगा। अगर 4 की घात 5 कर दें, 4 की घात 5 कर दें तो 6 चौक 24 का 4 इकाई अंक आएगा, 4। 4 की घात 6 कर दें तो 4 छिक 24, 4 चौक 16 का 6, ठीक है। तो हमने एक बात देख ली कि 4 6 4 6 4 6, अब 4 6 4 6 आता रहेगा, चाहे आप 4 की घात कितनी भी कर लो, या तो वो 4 आएगा या फिर वो 6 आएगा। अब ये क्या, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो फड़फड़ाए जाते हैं बेवजह, उनकी नैया कभी पार नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, वो जोश अपने अंदर लाना पड़ता है जो चाहिए एक योद्धा बनने के लिए।
हारा वो जो लड़ा ही नहीं, कौन हारा वो जो लड़ा ही नहीं, और जो लड़े या तो वो शहीद कहलाए, या तो वो शहीद कहलाए, या फिर वो वीर कहलाए, मतलब हीरो कहलाए। तो अंत तक लड़ना है, जब तक मंजिल मिल नहीं जाती हमें लड़ते चलना है। दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर हमारा इरादा मजबूत है ना तो हर चीज़ मिलती है। हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए, हर चीज़ मिल जाएगी। जी हाँ, हर चीज़ मिल जाती है। जैसे कोहरे में हम दो कदम चलते हैं, जैसे कोहरे में हम लोग दो कदम चलते हैं, सामने का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फिर भी हम एक उम्मीद से चलते हैं। किस उम्मीद से? कि मैं मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। एक अपने अंदर विश्वास होता है कि मैं वहां तक पहुंच ही जाऊंगा, जो घर से हम सोच के चलते हैं और वहां तक हम पहुंच जाते हैं। क्या कोहरे में हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अंधेरा होता है सामने। बस ज़रूरत होती है शुरुआत करने की। गॉड भी हमें कहता, तो चल तो सही, तो दो कदम चल, दो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो इसलिए रास्ता बनता है मेरे दोस्त, मेरे साथी, रास्ता बनता है। बस ज़रूरत है आपको शुरुआत करने की। हारा वही है जो चला नहीं, और जो चल दिया वो जीत जाता है, अगर वो अंत तक चलता रहता है। तो लास्ट तक चलते जाना है, हिम्मत नहीं हारनी। मैं हूँ, मैं आपके लिए यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, आप हैं, आप अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आज हार के बैठ गया तो क्या मैं अब अपने इस फैमिली को बड़ा बना पाऊँगा? नहीं बना पाऊँगा, ठीक है? तो चलते जाना है, और चलते जाना है, समझे कुछ? वेरी गुड। तो देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है। हमने एक चीज़ देखी कि चार की घात एक की तो चार आया, चार की घात तीन की तो चार आया, चार की घात पाँच की तो चार आया। हमने एक बात निकाल ली कि अगर चार की घात विषम बने, चार की घात क्या बने? विषम मतलब ओड, ओड ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। देखो, चार की घात विषम बने तो इकाई का अंक क्या आएगा? चार आएगा। इसको छाप लेना माइंड में अपने। अगर चार की घात क्या बने? सम, सम मतलब ई वी ई एन। अगर चार की घात सम बने तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? छः। बस ये की पॉइंट है, ये दिमाग में झंडे गाड़ लेना इनके, ये की पॉइंट है, ठीक है? ये है की पॉइंट। चार की घात विषम, इकाई का अंक चार, चार की घात सम, इकाई का अंक कितना आएगा? छः आएगा। समझ में आ रहा है ना? और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया भाई, लाइक करो, लाइक तेज़ी से लाइक करो, लाइक करो जल्दी से, लाइक करो, ठीक। तो ये हमारा इससे हो गया चार से, ठीक है? जल्दी से आप इसे छापिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हम बढ़ते हैं नौ की ओर, ठीक। तो चार का रूल क्या है? सम विषम का। चार का रूल क्या है? सम और विषम का। चार का रूल क्या है? सम और विषम का। आप सोचोगे पागल हो गया क्या? नहीं, बोलो मेरे साथ साथ, तभी तो याद होगा। चार का रूल क्या है? सम और विषम का। विषम है तो चार, सम है तो छः, विषम है तो सात चार, सम है तो छः। चार का रूल क्या है? सम और विषम का। विषम है तो इकाई का अंक चार, सम है तो इकाई का अंक छः। याद हो गया होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ो, नाइन पे आओ, नाइन पे। अब देखो, नौ, नौ, नौ की घात लगा दो एक, इकाई का अंक एक, नौ की घात दो इक्यासी आएगा, इक्यासी का इकाई का अंक एक, नौ की घात तीन 729 का इकाई का अंक नौ। अरे क्या बन गया, नौ की घात चार, नौ की घात चार इकाई का अंक एक, ठीक। नौ की घात पाँच इकाई का अंक नौ। अब मैं क्या करते जा रहा हूँ? नौ से गुणा करते जा रहा हूँ, ठीक है? नौ से गुणा, नौ नीम इक्यासी का एक, नौ एकम नौ, ठीक। बस ये करते जा रहा हूँ मैं, नौ नीम इक्यासी का एक, नौ एकम नौ, ठीक। नौ की घात छः एक आएगा, ठीक है? बस जितना समझाना उतना समझा दिया। देखो, नौ की घात एक तो आया नौ, नौ की घात तीन तो आया नौ, नौ की घात पाँच तो आया नौ, ठीक। मिल गया रिजल्ट, क्या हुआ? रिजल्ट मिल गया, नौ की घात विषम, नौ की घात विषम तो वही आएगा इकाई का, मतलब नौ ही आ जाएगा। देखो, जोड़ूंगा अभी, यहाँ से पॉइंट जोड़ूंगा, दोनों को अटैच करूँगा, ठीक। नौ की घात सम, नौ की घात सम तो क्या आएगा? एक आएगा। चार की घात विषम, चार की घात विषम तो इकाई का अंक खुद चार, मतलब अगर ये चार है तो ये भी चार, चार की घात विषम तो खुद चार ही आ जाएगा। नौ की घात विषम तो खुद नौ आएगा, खुद।
बस इतना ध्यान रखना है कि 9 हो या 4 हो, अगर घात विषम है तो वो वापस खुद ही आ जाएगा, 9 है तो 9 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 की घात सम थी तो कितना आया था, 6 आया था यूनिट डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे 9 की घात सम थी तो अलग आएगा, 1 आएगा, 4 की घात सम थी तो अलग आएगा, 6 आएगा। समझ गए क्या? बहुत ही बढ़िया। तो 9 की घात विषम, 9 की घात विषम 9, 4 की घात विषम 4, 9 की घात विषम 9, 4 की घात विषम 4, 9 की घात विषम 9, 4 की घात विषम 4। समझ गए क्या? 9 की घात सम तो 1, 9 की घात सम तो 1, 4 की घात सम तो 6, 4 की घात सम तो 6, 4 की घात सम तो 6, 9 की घात सम तो 1। समझ गए? चलिए भाई आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़े फिर, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन तो मैं बाद में ही समझाऊंगा आपको, बस फिर भी थोड़ा सा आइडिया जाएगा आपको। देखो ज़रा ध्यान से, जैसे मान लो हमने लिया 384, ठीक, 384 घात ली मैंने 50, कितने भी ले सकते हो। 384 की घात मैंने ली यहाँ पे 51 ले ली, कितने ले ली, 51। हमें देखना है इस 384 का जो 50 पावर करके संख्या आएगी उसमें इकाई अंक क्या आएगा, उसमें इकाई अंक क्या आएगा। देखो इकाई अंक देखना, तो इनको छोड़ दो, ये डराने के लिए, ये दिल में दहशत बैठाने के लिए है, इसको छोड़ दो, दिल घबरा जाएगा इसको नहीं छोड़ोगे तो। ठीक, और जहाँ दिल ने साथ छोड़ दिया तो भैया मामला खरा, जिंदगी गई संन्यास में, ख़त्म मामला। दिल ने साथ छोड़ा मतलब दिल ने पंपिंग करनी कर दी बंद, दिल ने करी पंपिंग, हमारी हो गई जंपिंग। देखो 4 की घात 50, इसका मीनिंग क्या हो गया, 4 की घात 50। मैंने कहा 4 की घात सम तो यूनिट डिजिट 6, 4 की घात सम तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6। समझ गए? 4 की घात विषम, 4 की घात 51 तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, मतलब खुद ही आ जाएगा। इस टाइप के सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ। 9 से ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, बड़ी बात नहीं है, आसान बात है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखना ज़रा ध्यान से, जैसे मान लो 9 है हमारे पास, और 9 के लिए हम ले लेते हैं कुछ भी एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 289, और हमने घात कर दी 45, और हमने 289 और 9 की घात कर दी, मतलब पूरे की घात कर दी 60। हमें इकाई अंक निकालना है, इसको काट मारो, इकाई अंक निकालना है, इसको काट मारो, काट मारो। देखो 45, 9 की घात विषम, विषम है तो खुद 9 ही आएगा, मतलब विषम में ये खुद आ जाएगा। यहाँ से 9 की घात 60 तो कितना आएगा, 1। मेरे भाई इधर देख, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आई होप कि समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और आप सभी साथी लास्ट में जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अपने सारे साथियों को। आप कहीं भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं उनको बताइएगा, और अपने इस लाइफ हाई स्टडी के परिवार को आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के लिए हमने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, वहाँ पर आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है। जैसे कि ये क्लास आपकी चल रही है, इस क्लास के क्लास नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, कहाँ पे, thelifehighstudy.com पर। डेली करंट अफेयर की नोट्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, पीडीएफ मिलती है, वो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जीके जीएस और कंप्यूटर क्लासेस और जो भी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं उन सब से जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड देन आप सारा स्टडी मटेरियल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको लेकर के। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार है हमारा ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया बनेंगे, अभी तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन मैं पहला पूरा कॉन्सेप्ट कराने के बाद आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर लेके चलूँगा। ठीक है, अब एक नया कोड है हमारे पास, नया कोड है हमारे पास, ठीक, 23 23 87 का, क्या कोड है, 23 87, और पावर करेंगे इसकी एन, 23 87 पावर करेंगे क्या, एन। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट कोड है। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, सारा का सारा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है,
रिवाइज कराता हूँ, 0 156, 0 156 पावर कुछ भी, हमेशा यूनिट डिजिट यही आएगा, 0 है 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 4 के लिए क्या आया, तो 4 के लिए विषम है तो 4 आया, सम है तो 6 आया, 9 के लिए विषम तो खुद 9 ही आया, 9 के लिए सम तो 1 आया, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास ये है मामला 23 87, 23 87 की हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेंगे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मज़े से, ठीक है, फिर हम इसके सवालों पर आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जो आपको कराया है वो बहुत ही आसान काम था अभी तक, आगे का जो काम होगा वो भी बहुत आसान होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसको बताने के बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपने छोटे छोटे में 10 से 15 आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर मैं आपको बुक में लेके घुस जाऊंगा, डायरेक्ट बुक में टपकेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इस लेक्चर को आप सभी साथियों तक शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और कमेंट नहीं करते हैं आप कमेंट भी कीजिए, और अपने इस परिवार की वृद्धि में आप अपना योगदान दीजिए, ठीक है। तो बस लास्ट में यही चाहूँगा कि आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मौज लें, खूब खाएँ, खूब पिएँ, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, पढ़ें लिखें, बस पढ़ाई लिखाई से अलावा कोई भी एम आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी एम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है जी हाँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर, सभी को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।